ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਟਾਇਰ ਕੋਮੋ ਟਾਇਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫਰਮ ਕੋਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਫਲਫੀ ਟਾਇਰ ਹੈ ਆਫ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂ 6 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो गाइज ये विंच है और उसके बाद इन्होंने फ्रंट एंग्री पे ब्लैक कलर के और काफी इन्होंने सारी चीजें एक टू जेड इन्होंने लगभग नंबर प्लेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो इन्होंने ब्लैक रखने की कोशिश करी और काफी फिफ्थ गियर में चल रही गाड़ी अभी और नॉर्मल देख सकते हो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी व्लॉग। तो गाइस ये जो वीडियो है ये उसी दिन की वीडियो, पीछे आप गाड़ी देख सकते हो उधर ही खड़ी है और ये स्कॉर्पियो भी आई है, इसका भी आपको रिव्यू देंगे हम और बाकी इसमें भी कुछ यूनिक चीज कराया हुआ भाई ने। तो अभी आपको थार के पास ले चलते हैं, आपको सारों को थार बहुत पसंद होंगी, बट ये वाली थार आपको मैं दिखाता हूँ। और जैसे ये भाग रही थी ना, आपने पुरानी वीडियो में देखी होगी कितनी तेज भाग रही थी गाड़ी है, तो 130+ गई है गाड़ी। और क्या ही बताऊँ, मैं रेस दे रहा था होंडा सिटी का, पर ये मैं शुरू करके निकल गया आगे। मेरी होंडा सिटी की 130 थी और ये मतलब 140 होगी शायद और उस टाइम के। हाँ हाँ, तो गाइस अपने अंगद भाई की थार है ये। तो कैसे अंगद भाई, फिर से उसी दिन की वीडियो और फिर से मिल रहे हैं। और एक्चुअली अंगद भाई अगर पंजाबी में बात करेंगे तो मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता दूंगा आपको। काफी लोग बोल रहे थे भाई आप पंजाबी में नहीं करते व्लॉग, बट यार गाइस पता क्या चक्कर है, काफी लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको पंजाबी नहीं आती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि यार हिंदी हर एक बंदे को समझ आ जाएगी, इसलिए मेरे केरला के भी तो काफी सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझ आएगी, इस करके मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो आपको इस थार के बारे में बताना करते हैं स्टार्ट, अंगद भाई बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सुमो का मैंने बताया सारा। अब ये यूनिक चीज है, इसको सिर्फ अंगद भाई बताएंगे और एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग इसमें मैं दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज। तो चलो अंगद भाई जी करो स्टार्ट। सब तो पहले टायर दा दसो। टायर कोमो टायर इंपोर्टेड फ्रॉम कोरिया, ठीक है। देन फ्लफी टायर है, ऑफ रोड भी है ऑन रोड भी है, बट 80 टायर। तो जड़ी तुसी गल कह रहे हो कि आवाज बड़ी घट है, गाइस ये जो टायर है हाँ साउंडलेस टायर है बिल्कुल, मतलब कि रोड पे हम बैठ के आए हैं, मैं नहीं एक्चुअली ये बैठ के आए हैं, बिल्कुल आवाज नहीं की इन टायरों ने, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल साउंड प्रूफ टायर है, मतलब कि बिल्कुल आवाज नहीं है एम्प्टी। हम अंगद भाई से ये पूछेंगे इन्ना दौड़ दिए भाजी ये राज की है। और ये भी नहीं कि प्लेन रोड पे दौड़ाई जा रही है, मतलब कि लाइक की होंडा सिटी मैं पीछे से कर रहा रे, चलो सिडान की अलग है, बट ये थार बहुत तेज दौड़ रही थी बहुत ज्यादा। तुसी कुछ इश्यू का करवाया है तुसी दस्या मैनू, फर्स्ट स्टेज जो है वो ईसीयू का अपडेट है तो अपग्रेड है। तो अभी मैं आपको उसके बाद ये आगे से फ्रंट लुक बता दूं, भाई आ जाओ फ्रंट तो ये जड़ा तुसी लवाया है इसनों की कहते हैं बुलगार्ड। तो तुसी महिंद्रा का जड़ा अपना बंपर कटाया हुआ है ना, बंपर टू बंपर मॉडिफाइड है सारी, बंपर टू बंपर ठीक है ठीक है ठीक है, लाइट्स वगैरह मेन लाइट्स बंपर एंड विंच वगैरह टायर वगैरह एवरीथिंग इज चेंज्ड ठीक है। तो गाइस ये जो इन्होंने ये ओम मानी पद में हम ले का, तुसी मतलब ले का भी ट्रिप मारे हो यार रिसेंटली? नहीं ले का ट्रिप नहीं किया, डलॉजी का ट्रिप किया था। अच्छा अच्छा, आफ्टर 5 डेज पहली गाड़ी थी जो ऊपर काला टॉप गई थी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये लास्ट वीक की बात ही है। अच्छा हाँ मैंने देखी थी इंस्टा पे वीडियो, लगातार हुई थी डलॉजी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सारे जनों ने मना किया था गाड़ी नहीं जाएगी, बट ये गई, बनाई आपने ऐसी है तो, बट ये गई, मेरे को भी यकीन नहीं था कि जाएगी कि नहीं, बट गई ये गाड़ी। चलो ठीक है। तो गाइस ये इन्होंने जो विंच को ऐसे ऊपर करके लटका के जो इन्होंने लगवाया है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा यूनिक चीज तो यही है। और गाइस लद्दाख में माना जाता है कि ये चीज जो है पॉजिटिव वाइब देती है, ठीक है, तभी उन्होंने पुल पे और घरों के दरवाजों पे लगाया होता ताकि पॉजिटिव एयर आए, तो इन्होंने भी फ्रंट पे लगाया हुआ है। तो ये जब गाड़ी के एयर जो हवा इसको स्ट्राइक करके पीछे जाती है तो सारी गाड़ी ये पॉजिटिव हो जाती है वाइब, तो ये काफी अच्छा लगा। और उसके बाद इनमें विंच है लगा हुआ, ठीक है। तो पाजी केड़ी कंपनी ने इम्पोर्टेड ही है, ठीक हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइज ये विंच है और उसके बाद इन्होंने फ्रंट एंग्री बर्ड जो ग्रिल है वो लगवाया हुआ, और अलग आती है मिंडा की रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहले बुलेट को आती थी उसके बाद बिलिट वगैरह को भी डाल के स्टार्ट करती थी। तो गाइज ये चेंज है लाइट, ये मिंडा की रिंग लाइट वाली लाइट है इन्होंने रखी हुई है ये, और उसके बाद मेन सिंपल हैलोजन, हाँ हैलोजन इन वैसे भी इसको जरूरत नहीं पड़ती, वो लाइट्स देख सकते हो आप इन्होंने लगाई है जो बड़ी बड़ी ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइज उसके बाद आपको फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके बाद स्नॉर्कल वर्किंग है भाई, स्नॉर्कल इज वर्किंग ठीक है, स्नॉर्कल जो है वो वर्किंग है। और ये हैला की लाइट्स हैं, एचआईडी लाइट्स ठीक है ठीक है, ये हैला की लाइट्स नहीं है बट लाइट बहुत बढ़िया। और बाकी ऊपर आपने ये जो लाइट्स लगाई हमर लाइट्स कहते हैं इन्होंने,
तो गाइस ये भी इनका भी इन्होंने जुगाड़ किया, लाइक ये जो है ट्रक के इंडिकेटर्स जो है उसको इन्होंने पूरा मतलब की बहुत बढ़िया तरीके से लगाया हुआ है, तो काफी अच्छा लगा। ऐसा भी आप मॉडिफाई कर सकते हो थार में, लोग छत के ऊपर लगाते हैं बट इन्होंने फ्रंट पे लगाया और काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद बाहर लाइट आप देख सकते हो, और ये महिंद्रा का जो स्लोगन है एक किस्म का, लिव यंग लिव फ्री, तो भाई ने अपना नाम लिखा हुआ अंगद, तो पॉइजन लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी ये है अंगद भाई की, अंगद राइडर। मैंने कल चेक किया इनकी इंस्टाग्राम आईडी, काफी ऑफ रोडिंग के रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, काफी मॉडिफिकेशन के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके जरूर भाई को फॉलो करो और सपोर्ट करो। तो उसके बाद अच्छा एक 14 मॉडल है, ठीक है ये गाइस ये थार है जो 14 मॉडल है, और ये जो इन्होंने अलग से एक कंपनी को आंदी से चाहिए, ये कंपनी में आए थे 2018 में, तो गाइस ये 2018 में आए थे, इन्होंने 2014 में लगाया है, और ये जो है मडगार्ड ये भी 18 मॉडल में, न्यू जो 14 में नहीं आते थे, और वो देख सकते हो आगे से इन्होंने उतारा हुआ है जस्ट बिकॉज की आगे से बोल्ड लुक देने के लिए। उसके बाद गाइस जो सबसे मेन मॉडिफिकेशन जो मतलब मेरे को थारों में पर्सनली फेवरेट लगती हैं चीज़ें, वो ये चीज़ है, ये जो इन्होंने पीछे लगाया, अभी थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा जस्ट बिकॉज उसकी वजह से, सुमो की वजह से पीछे से टच हो गई थी। तो ये देखो पावर मतलब कि ये चीज़ इस चीज़ मतलब सोच सकते हो सुमो की बॉडी पूरी ऐसे बढ़ गई अंदर, बट इसको कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा हिला अपनी जगह से, वो कोई नहीं सेट मार के सेट कर देंगे ये, मतलब ये जरूरी है गाड़ी को ना पीछे से, ऐसी ऑफ रोडिंग गाड़ी को तो बहुत जरूरी है। उसके बाद टोइंग को इन्होंने ये हैवी वाला लगा हुआ है, इम्पोर्टेड अच्छा ठीक है। तो गाइस लाइट्स देख सकते हो काफी प्यारी मॉडिफाई करवाई है इन्होंने, तो ये मैं लगा बाद ही मॉडिफाई कराई है तुसी लाइट, ये पेपर लैमिनेटेड है इम्पोर्टेड जैसे आई थी लाइट्स, ये रेंगुलर की लाइट्स है, इसके ऊपर पेपर मॉडिफिकेशन। अच्छा रेंगुलर की लाइट्स हैं, ये रेंगुलर की लाइट्स हैं, और उसके बाद टायर ये सेम ही आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा एक, और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ जब गाड़ी बजी थी कितना आगे चला गया, वो ये देख सकते हो शीशा टूटा नहीं, बच गया, बड़ा बचाव हो गया, और काफी जोर से बजी थी गाड़ी, पर थार को कुछ नहीं हुआ, एज यू ऑल नो कि थार कुछ नहीं हो सकता इसको, तो वो लाइन है ना, आपका कुछ नहीं साडा कुछ जाना नहीं तेरा कुछ रहना नहीं, वो वाला साहब है भाजी। एक ही है सिलेंडर, एक अच्छा प्रेशर ऑन से तुम ये पूरा सिलेंडर लगाया है, इसमें एयर फिल होती है। अच्छा तो गाइस इस गाड़ी में जो है प्रेशर हॉर्न भी है, बजेगा होने, तो गाइस ये जो है ये प्रेशर हॉर्न भी लगवाया हुआ है इन्होंने, और प्रेशर हॉर्न के लिए इन्होंने सिलेंडर जो है एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है, एड ऑन करवाया हुआ, बाकी इसमें पीछे भी जो है मॉडिफाइड जो बम्पर है, और उसके बाद साइलेंसर इन्होंने भी पाई साइलेंसर साइड तो कटाया तुम, ठीक है उससे भी है ना नॉर्मल है। अच्छा तो गाइस इन्होंने जो है साइलेंसर इन्होंने जैसे शोएब भाई की गाड़ी में देखा था आपने, वैसे ही उन्होंने साइड से लगवाया हुआ, और उसके बाद वो जो साइलेंसर आप देख रहे हो वो वर्किंग नहीं हुआ, ऐसी पाइप उन्होंने छोड़ दी है, तो काफी अच्छा। और बाकी गुच्ची का स्नेक काफी ट्रेंडिंग में चला था ये, और काफी अच्छा बहुत प्यार, अच्छा 4 साल पहले मतलब कि उस टाइम जिस टाइम ट्रेंड चला था उस टाइम इन्होंने लगवाया था ये, तो काफी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद सही मेन चीज तो अंदर है इंटीरियर में, चलो फिर इंटीरियर में, तो सबसे पहले जो इंटीरियर में चलते हैं इंटीरियर में, तो अंगद भाई की जो मैं थोड़ी बहुत स्टोरी जब देखता हूँ तो ये चीज जो है ये चीज मेरे को काफी ज्यादा प्यारी लगती है, ये देख सकते हो चेन हैंडल, तो हॉर्न भाई इतनी है अच्छा हॉर्न इन्होंने लाइक की लुक अच्छी देने के लिए इन्होंने हॉर्न का इस बटन यहाँ पे रखवा लिया हुआ है, और काफी अच्छा लग रहा है ये, कसम से कह रहा हूँ जब बंदा वीडियो बनाता है ना वीडियो में काफी अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाने के लिए काफी अच्छा है। और उसके बाद 2014 में ऐसा डैशबोर्ड आता था, और उसके बाद ये इन्होंने स्कल वाला लगाया हुआ है जो गियर नॉब, और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना आपको ये प्रेशर हॉर्न के बटन हैं, तो और वो 4x4 लीवर सोनी का इन्होंने नॉर्मल सिस्टम रखा हुआ है। और उसके बाद इंटीरियर कुछ ऐसा है, और इन्होंने ये सनरूफ सब बनाया हुआ है, ये खोल के आप जा सकते हो, मिरर नहीं है ये मेटल है। और उसके बाद पीछे सीट्स देख सकते हो, ये हैं स्कॉर्पियो की सीट्स, और बाकी जैसी थार होनी चाहिए मॉडिफाइड वैसी ही है। और आर्म रेस्ट आप देख सकते हो इधर, आर्म रेस्ट बढ़िया सा, पावर विंडो भी है इस गाड़ी में, तो आपको बाहर से फिर से मैं एक अच्छा सा ओवरव्यू लुक दे देता हूँ। बाकी स्पीकर्स लगे हैं इधर और उधर भी लगे हैं, और चलते हैं बाहर। तो गाइस बाकी थार का कुछ यही रिव्यू था, और अब आपको मैं वो जो स्कॉर्पियो खड़ी है उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा, अंगद भाई चला के भी बताएंगे और आपको मैं इसकी स्पीड भी बताऊंगा, अंगद भाई अभी चलाएंगे, मैं बैठूंगा साथ और इसकी स्पीड देखेंगे, ठीक है। तो गाइस ये स्कॉर्पियो आप देख सकते हो, इसमें भी काफी यूनिक काम हुआ पड़ा है, ये एक्चुअली जिनकी सुमो है उनके ही छोटे भाई हैं। भाई थोड़ा नाम
अंकुश नाम है इनका। तो गाइस आ जाओ, तो दसो कि यूनिक तुसी कराया है, डैम्पिंग वगैरह पूरी कराई है, बाकी ऑल ब्लैक का कुछ तुसी थीम रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो गाइस काफी लोगों का शौक जो फेवरेट कलर काला होता है, जैसे गाने भी आजकल पंजाबी ब्लैक कलर के, और काफी इन्होंने सारी चीजें एक टू जेड इन्होंने लगभग नंबर प्लेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो इन्होंने ब्लैक रखने की कोशिश करी, और काफी प्यारी लग रही गाड़ी। और अलॉयज भी इन्होंने ब्लैक कलर में ही प्लाटी के 20 इंच अलॉय हैं कि, और उसके बाद इन्होंने अंदर से भी काफी तगड़ी मॉडिफिकेशन करवाई है। तो ये देख सकते हो बकेट फिट पूरी सीट कवर्स हैं, बिल्कुल रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं है, और काफी अंदर से भी इंटीरियर इन्होंने ब्लैक ही रखा हुआ है। तो ये गाड़ी स्पेशली इन्होंने मेरे को फोटो दिखाई थी तो मेरे को काफी प्यारी लगी, मैंने बोला भाई आप आ जाओ, तो ये आ गए स्पेशली मेरे लिए। और बाकी ये इन्होंने 7D मैटिंग्स करवाई हैं, और उसके पास ट्विटर्स यहाँ पे एनग्रेव करवाया हुआ पूरा, और इंटीरियर देख सकते हो आप काफी प्यारा है, मतलब की बहुत प्यारी गाड़ी इन्होंने तैयार कराई हुई है। आगे से भी एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ, देख सकते हो जालियां भी पूरी ब्लैक करवाई हुई है, पूरी एक क्रोम में क्रोम ही जानता सी है ना, तो लोगो भी ब्लैक करवा दिए हुए इन्होंने। नंबर प्लेट को छोड़ के आपको सारी गाड़ी पूरी ब्लैक दिखेगी, ऑल ब्लैक भाई, आगे ऑल ब्लैक लिखा लो वो भी ब्लैक कलर कोई नहीं। तो गाइस देख सकते हो काफी प्यारी गाड़ी है यार स्कॉर्पियो। वैसे भाजी तुम दसो मैनू हूँ जी स्कॉर्पियो आ रही है न्यू जनरेशन, ओदी लुक थानू मतलब हम सजेस्ट कर सिलेक्ट कर रहे हैं दोनों गड्डिया जो तुम करी। तो गाइस मैं इनसे पूछ रहा था कि ब्लैक ज्यादा वधिया, पर ब्लैक की मेंटेनेंस काफी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो गाइस जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो आ रही है यार कसम से उससे थोड़ा दिल दुख रहा है, क्योंकि ये जो स्कॉर्पियो का जो इस स्कॉर्पियो से जो लव था ना लोगों को, वो मतलब की कभी खत्म नहीं हो सकता। ये आनी है ठीक है ठीक। तो गाइस ये बंद नहीं हो रही है, खुश हो जाओ वापस। तो गाइस ये गाड़ी हम नीचे उतार के एक्चुअली उन्होंने शूट लेना है, उसके बाद हम जाएंगे इसकी राइड पे, अंगद भाई चलाएंगे और बताएंगे इसकी पावर कितनी तेज दौड़ती है। ये कुम्हो के टायर आपको जो दिख रहे हैं ये एक्चुअली अंगद भाई कह रहे हैं कि मुझे मिल नहीं रहे हैं, अगर किसी को भी कुम्हो के टायर किसी के पास भी अगर पड़े होंगे आपको मैं नंबर दिखा देता हूँ, देख सकते हो 33 12.50 R15 नंबर है। तो ये अगर टायर किसी का पड़ा हो तो, अगर सेकेंड हैंड हो, अगर नए भी हों तब भी भाई को कॉन्टेक्ट कर लें, तो इंस्टाग्राम पे जाके बोल दें उनको भाई को, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो RD_vlogs_17। बाकी अंगद भाई का भी जो मैंने Angad_rider उनको बता दिया आपको, तो वो कर लो आप कॉन्टैक्ट। तो यार इनको बता देना अगर टायर अगर किसी के पास पड़ा हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर दें, अगर नहीं भी पड़ा हो कोई अरेंज करवा सकता है तो अरेंज करवा देना ये वाला रोड वेंचर, क्योंकि इनको भाई को मिल नहीं रहे हैं कहीं से टायर, तो ये इनको काफ़ी अच्छे लगे हैं टायर, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी कैपेबल हैं और उसके बाद रोड पर भी काफ़ी मज़ेदार है। तो गाइस गाड़ी आप देख सकते हो साइलेंसर की आवाज़ है, टायरों की बिल्कुल आवाज़ नहीं है, और देख सकते हो 110 पहुंच गई थी गाड़ी, अभी बिल्कुल साइलेंट टायर है, बहुत कोई आवाज़ नहीं, बस साइलेंसर की क्योंकि आवाज़ इन्होंने बनवाई हुई है, तो बाकी बबलिंग भी नहीं है इतनी। तो देख सकते हो अंगद भाई अपने, देखिए स्टेयरिंग बड़ा वधिया लग गया भाई यार, सही कहते हैं, सही कहते हैं पंजाब में सही शौक पूरा होता है, हॉर्न को कॉम्प्रोमाइज़ किया है लोग पहन जो डायल के लिए लगवाते हैं स्टेयरिंग ये नहीं लगवाते, बट इन्होंने देखो हॉर्न साइड पे लगवाया हुआ है, लाइक कि सही शौक इधर पूरा होता है। तो बाकी शौकीन तौर से ही सारी गाड़ी इन्होंने तैयार करवाई है, तो गाड़ी देखो कैसे भाग रही है, तो कसम से कह रहा हूँ मैं होंडा सिटी पीछे से ला रहा था, मैं रेस दे रहा था पर पहन जो ये निकली जा रही थी, फर्स्ट स्टेज जो इसका अपग्रेड हुआ है ECU का, तो देख सकते हो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पावर है इस गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा 5th गियर में चल रही गाड़ी अभी, और नॉर्मल देख सकते हो 110 पहुंच गई गाड़ी, कंट्रोल और गाइस 110-120 में थार जो है लाइक की पता को डोलती है ऐसे से, तो ये पूरी इसकी कंट्रोल भी नॉर्मल, ब्रेक ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। मैं देखो पिकअप देखो, ये देखो काफी बढ़िया यार, काफी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये काफी बढ़िया इस गाड़ी की मेरे को लगी दैट की यार इसकी ना जो बॉडी है वो लिफ्ट नहीं है, इसकी सस्पेंशन लिफ्ट है, तो ये एक काफी बढ़िया रहता है, बॉडी रोल होने के डर नहीं रहते हैं,
और ये वहाँ के गोप्रो रखा हुआ भाई ने, और गोप्रो के ऊपर से गाड़ी निकली है और इन्होंने वाइक बोला होगा। तो चलो अब बाकी अपनी खड़ी है ये होंडा सिटी, चलते कुछ खाते पीते हैं। आने जाने वाले।